नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। लॉकडाउन पूरे देश में है, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसी को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संदेश देंगे सुबह 9 बजे। लेकिन उससे पहले देश के बॉलीवुड एक्टर्स ने जो बात कही है वो आपको जरूर देखनी चाहिए। आइए दिखाते हैं। नमस्कार, मैं आशा भोसले। दिल चीज क्या है, आप मेरी जान ले लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। मेरा कहना यही है कि आप अपने घरों से मत निकलिए, क्योंकि हमारा भारत देश आज बहुत लड़ाई, बड़ी लड़ाई लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमें जीतना है। कैसे जीतेंगे? आप जब मदद करेंगे, घरों में बैठेंगे, तब जीतेंगे। मुझे विश्वास है कि हम जीतेंगे। मेरी 86 साल की आज उम्र है। इतने लंबे अरसे में मैंने बहुत बीमारियां, बहुत लड़ाइयां, बहुत कुछ देखा है, लेकिन उन पे हमने विजय पाके यहां तक पहुंचे हैं। दोस्तों, मुश्किल कभी बताकर नहीं आती है और ना ही उससे भागा जा सकता है। आज हमारे सामने मुश्किल है और हमें उसका सामना करना है। इसका सामना हम कर सकते हैं घर पर रहकर। अगर हमारा काम जरूरी ना हो तो प्लीज घर से बाहर ना निकले। हम खुद की जान ही नहीं, दूसरों की जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, जिनका घर से बाहर निकलना जरूरी है, जैसे पुलिस वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस, सैनिटेशन वर्कर्स, उनका काम और ना बढ़ाएं, उनका काम और मुश्किल ना करें, उनको मदद करें घर पे रह के। इसीलिए प्लीज स्टे होम, स्टे सेफ। ये बेशक हम सब के लिए एक बहुत ही कठिन और मुश्किल समय है, और ये हिंदुस्तानियों की खासियत है कि कोई मुश्किल आती है तो हम सब साथ खड़े रहते हैं। पर इस वक्त साथ खड़े रहने का मतलब है कि हम एक दूसरे से दूरी बनाए रखें। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार। वैसे तो पूरा भारत एक हो गया है, वैसे तो पूरा विश्व एक समस्या से जूझ रहा है। एक होकर सब अपने घर पर हैं, सब भारत सरकार की, भारत के प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की जो अगुवाई है उसमें एक जैसा एक्ट कर रहे हैं। सब समझदारी दिखा रहे हैं, घर में हैं, सुरक्षित हैं, परिवार के साथ हैं, लॉकडाउन को फॉलो कर रहे हैं। मैं आकाशवाणी के बिहाफ पर आपसे निवेदन करता हूं, आज भी कुछ लोग पालन नहीं कर रहे इस बात का। मैं ये निवेदन इसलिए कर रहा हूं कि आप पूरी मानवता का ह्रास करने के लिए एक ही काफ़ी हैं, इसलिए अपने आप को सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन में रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुरक्षित का मतलब सैनिटाइज्ड रहिए और अनुपालन करिए जो हमारे बड़े कह रहे हैं, इसी में हम सब की भलाई है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और एडवांस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए। नमस्कार।